अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब भी ठीक ठाक होंगे। तो आज हम जिस गाड़ी का रिव्यू करने वाले हैं टोयोटा कोरोला 1985 मॉडल जीएल का, जो कि आपको काफ़ी नीट एंड क्लीन गाड़ी मिल जाती है। ये गाड़ी सेल के लिए, अगर आप में से कोई बंदा भी इंटरेस्टेड हो तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर रब्ता वगैरह कर सकते हैं, तो आप मुझे FB के ऊपर अफाक ब्लॉग के नाम से भेज है, वहाँ पर आप मुझे मैसेज कर दें। ओके, तो मैंने काफ़ी लोगों को मैसेज का रिप्लाई दे भी देता हूँ, कुछ कर नहीं देता क्योंकि यार टाइम की काफ़ी कमी होती है, क्योंकि मैं आगे पीछे ज़रा सा इशू आए हैं वहाँ पर सॉल्व करने के अंदर। मैं इंशाल्लाह जस्ट ही वो भी वीडियो बना लूँगा कि जो जो प्रॉब्लम अभी चल रही हैं। अच्छा, तो अभी चले जाते हैं जी रिव्यू की जाने। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले इसकी फ्रंट की तरफ चले जाते हैं। फ्रंट इसकी प्रोफाइल काफ़ी नीट एंड क्लीन आपको मिल जाती है, और फ्रंट इसका काफ़ी नीट एंड क्लीन है। इसकी बॉनेट की बात की जाए, बॉनेट पर आपको इसके वॉशर मिल जाते हैं, बॉनेट आपको काफ़ी नीट एंड क्लीन मिल जाए। गाड़ी आपको बाहर से शावर मिलती है और अंदर से आपको टोटली जेन्युइन मिल जाती है। फ्रंट इसकी स्क्रीन की बात की जाए, वो भी आपको नीट एंड क्लीन मिल जाते हैं। नीचे आपको इसके वाइपर साइड में विंडोज़ के पैनल्स, आपको पैनल्स की साइड में जितने भी गोले हैं वो आपको एल्युमिनियम के दिए जाते हैं। अगर इसकी फिंडर की बात की जाए, फिंडर आपको काफ़ी नीट एंड क्लीन मिल जाता है। फिंडर के अंदर आपको इंडिकेटर दिया जाता है, फिंडर के अंदर आपको मिडल लाइट और साइड में आपको इंडिकेटर, इसके अंदर आपको डबल इंडिकेटर दिए जाते हैं और साइड में आपको एल्युमिनियम का कवर भी दिया जाता है। अगर इसकी हेडलाइट्स की बात की जाए, हेडलाइट्स आपको काफ़ी नीट एंड क्लीन मिल जाती हैं, और मिडल में आपको हार्ड प्लास्टिक की ब्लैक कलर के अंदर आपको इसकी ग्रिल दी जाती है, और मिडल में 3 इसका सी के स्टार का आपको लोगो दिया जाता है। बम्पर आपको हार्ड प्लास्टिक के मिलता है डिसेंट, और नीचे इसका मिडल में आपको इसके मिल जाते हैं इंडिकेटर और इसकी छोटी सी ग्रिल आपको दी जाती हैं। साइड मिरर की बात की जाए, साइड मिरर आपको मिल जाता है इलेक्ट्रिक, आपको हार्ड प्लास्टिक के अंदर ब्लैक कलर के अंदर आपको इसका साइड मिरर मिलता है, और विंडोज़ के पैनल्स भी आपको ब्लैक दिए जाते हैं, जो कि मैं आगे इंशाल्लाह आपको डिटेल वाइज बता देता हूँ। अभी चले जाते हैं जी लेफ़्ट साइड की जानेब, और लेफ्ट साइड में अगर बात की जाए फिंडर की, तो अभी आप देख लें आपको ठीक तरीके से आपको इसके फिंडर नज़र आ रहा होगा। इसके अंदर आपको इंडिकेटर दिया जाता है, इसका बम्पर बिल्कुल अपनी ओरिजिनल फिटिंग के अंदर है, विंडोज़ के पैनल्स आपको ब्लैक दिए जाते हैं, इसके ऊपर विंडोज़ के ऊपर आपको ब्लैक पेपर स्टार मिल जाता है, और विंडोज़ के हैंडल्स आपको ऑलरेडी ब्लैक दिए जाते हैं, क्योंकि जीएल मॉडल जो है उसके अंदर आपको ये चीज़ आपको ब्लैक मिल जाती है। मिडल में आपको रबी नमाज के गोले मिल जाते हैं, बैक साइड की विंडोज़ के गोले ऊपर आपको जीएल का लोगो भी मिल जाता है, और नीचे फिनबोर्ड भी आपको ब्लैक दिया जाता है। बैक साइड की विंडो भी आपको काफ़ी नीट एंड क्लीन मिल जाती है, कोई स्क्रैच वगैरह आपको नहीं मिलता। बैक साइड की फिंडर बिल्कुल नीट एंड क्लीन मिल जाता है, बैक साइड की फिंडर की साइडों में आपको इसकी हार्ड प्लास्टिक की ग्रिल भी दी जाती है, और ऊपर की जाने जो आपको एल्युमिनियम का नज़र आ रहा है ये इसका ओरिजिनल आपको एल्युमिनियम का दिया जाता है। बैक साइड के बम्पर भी आपको काफ़ी डिसेंट सा मिल जाता है, और अपनी ओरिजिनल फिटिंग के अंदर आपको मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं जी इसके टायर्स की, टायर्स आपको मिल जाते हैं, इसके अंदर आपको सादा रिम मिलते हैं, इसके अंदर आपको अलॉय रिम वगैरह नहीं मिलते, जस्ट आपको सादा रिम मिल जाते हैं। टायर की ओरिजिन आप 85% समझ लें, और इसके ऊपर आपको व्हील कप वगैरह आपको काफ़ी डिज़ाइनी व्हील कप इसके अंदर आपको मिल जाते हैं, जिससे गाड़ी काफ़ी अमेजिंग लग रही है। अच्छा, अभी चले जाते हैं जी राइट साइड की जानेब, और राइट साइड में बात की जाए तो राइट साइड के फिंडर भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, विंडोज़ के पैनल भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, विंडोज़ भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, कहीं पर आपको कोई गोले या साइड मिरर या कोई स्क्रैच वगैरह आपको नहीं मिलता। बैक साइड की फिंडर की बात की जाए तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्क्रैच मिलता है, लेकिन वो भी जस्ट मामूली सवाल के बराबर, नहीं तो आपको ये टोटली बिल्कुल परफेक्ट मिल जाता है। बैक साइड की स्क्रीन की बात की जाए तो आपको उसके ऊपर ब्लैक पेपर मिल जाता है, और काफ़ी नीट एंड क्लीन आपकी इसकी मिल जाती है। राइट साइड एंड लेफ्ट साइड एंड फ्रंट की लुक आपको काफ़ी नीट एंड क्लीन मिल जाती है। अब चले जाते हैं जी इसकी बैक साइड की जाने, बैक साइड की बात की जाए तो बैक साइड की आपको ट्रंक काफ़ी मिल जाता है डिसेंट साइज़, इसके अंदर आपको इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं मिलती, डिसेंट सी स्पेस होती है, आप दो एक बैग आप रख सकते हैं। राइट साइड की जाने में आपको टोयोटा कोरोला का लोगो मिल जाता है, और लेफ्ट साइड की जाने आपको जीएल का लोगो दिया जाता है। मिडल में नंबर प्लेट के ऑप्शन आपको मिल जाता है, नंबर प्लेट की लाइट्स आपको हार्ड प्लास्टिक के अंदर ब्लैक कलर के अंदर आपको दी जाती हैं, टेल लाइट्स आपको मिल जाती हैं। अब मैं आपको इसका डिफरेंट बता देता हूँ, इसके अंदर जीएल मॉडल और SC सैलोन के अंदर आपको क्या क्या डिफरेंट मिलता है। 1986 मॉडल के अंदर आपको ये चीज़ मिल जाती है, आपको जो इसकी लाइट्स हैं बैक साइड की वो आपको डिफरेंट मिल जाती हैं, इस तरह की इसके इंडिकेटर आपको नीचे मिलता है, लेकिन उस मॉडल के अंदर आपको इंडिकेटर ऊपर की तरफ चला जाता है, और ब्रेक लाइट आपको नीचे की जाने और रिवर्स लाइट और इंडिकेटर आपको ऊपर की जाने चला जाता है, मतलब इस सीन के अंदर ये उल्टा सिस्टम है, ठीक है। और मिडल में आपको इसकी एक्स्ट्रा लाइट दी जाती है, लेकिन इसके अंदर आपको ये चीज़ नहीं देती, जस्ट आपको छोटी सी हार्ड प्लास्टिक, और मिडल में आपको नंबर बड़ी सी नंबर प्लेट का ऑप्शन दिया जाता है।
और ये बम्पर भी आपको चेंज मिलता है, उसके अंदर आपको काफ़ी बड़ा बम्पर मिलता है, लेकिन इसके अंदर आपको हार्ड प्लास्टिक का डिसेंट सा नॉर्मल सा इसका अंदर बम्पर दिया जाता है। और ये आ गई थी कुछ बैक साइड की प्रोफाइल। और अगर इसके अंदर एक्स्ट्रा अगर आपको मैं बताना चाहूँ क्या क्या चीज़ें चेंज हैं, एडिजिट्स मॉडल के अंदर आपको विंडोज़ के हैंडल्स आपको एल्यूमिनियम के मिलते हैं, इसके अंदर आपको ब्लैक हार्ड प्लास्टिक के, और उसके पैनल्स आपको बॉडी कलर की तरह सेम मिलते हैं, इसके अंदर आपको ब्लैक दिए जाते हैं। साइड मिरर भी सेम ही है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। फेंडर के अंदर इसके अंदर आपको इंडिकेटर दिया जाता है, उस मॉडल के अंदर 86 मॉडल के अंदर आपको ये चीज़ नहीं दी जाती। और बम्पर लाइट्स और कुछ विंडोज़ वगैरह का डिफरेंट है, नहीं तो अलबत्ता और गाड़ी सेम है। और अभी मैं आपको इसकी साइड यहाँ से भी दिखा देता हूँ, और बिल्कुल गाड़ी नीट एंड क्लीन अपनी ओरिजिनल फिटिंग के अंदर है, जस्ट गाड़ी बाहर से शावर है, अंदर से आपको गाड़ी टोटली जेन्युइन मिल जाती है। बैक बम्पर हर चीज़ आपको बिल्कुल परफेक्ट मिल जाता है, और इसकी व्हील कप काफ़ी अमेजिंग है यार माशाल्लाह। अब चले जाते हैं जी इसके इंटीरियर की जानेब, और क्योंकि गाड़ी का बाहर से कलर जिस तरह का वैसे ही टाइम आपके इसके अंदर का इंटीरियर भी मिल जाता है। और इसके इंटीरियर आया जी ब्लू कलर के अंदर, और काफ़ी शाइनी आपको मिल जाता है। इसके अंदर आपको घड़ी मिडल में आपको एसी के विंड्स दिए जाते हैं, नीचे आपको मैनुअल इसके हैंडल दिए जाते हैं, और काफ़ी नीट एंड क्लीन आपको इसका मिल जाता है। नीचे इसकी ओरिजिनल कार्ड है, यहाँ पर आपको इसके रेडियो सिस्टम वगैरह मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं जी इसके बैक साइड की सीट्स की। स्पेस आपको काफ़ी ज़बरदस्त मिल जाती है, आप रिलैक्स होके तीन बंदे बैठ सकते हैं। सीट्स की पोशिंग की बात की जाए तो आपको फोमिंग वाली पोशिंग मिल जाती है डब्बी नुमा, और इसके अंदर आपको छोटे छोटे बॉक्स मिलते हैं, और इसके अंदर आपको मैनुअल आपको हैंडल मिल जाता है, और ऊपर आपको लेदर मिड मिरर ग्रीन वगैरह दी जाती है। अब बात कर लेते हैं जी इसकी स्टेयरिंग की, और स्टेयरिंग आप देख लें आपको इसका मिल जाता है हल्का ब्लैक हल्का ब्लू, मतलब हल्का हल्का शाइन में आपको इसका मिल जाता है। मिडम में 3 स्टार का आपको लोगो, और ये आ गया इसका स्पीडोमीटर, जिसके अंदर आपको स्पीडोमीटर आरपीएम मीटर और डिफरेंट इंजन लाइट्स का ऑप्शन दिया जाता है, और आपको मिल जाता है ब्लू, और स्पीडोमीटर आपको दिया जाता है इसका ब्लैक कलर का। इसकी ओरिजिनल माइलेज की बात की जाए तो कुछ 1,13,466 ओरिजिनल इसकी माइलेज है, और काफ़ी नीट एंड क्लीन माशाल्लाह गाड़ी है। अब चले जाते हैं जी इसकी ट्रंक की जानेब, और ट्रंक इसका काफ़ी नीट एंड क्लीन माशाल्लाह अमेजिंग है, और इसके अंदर आपको ओरिजिनल इसकी स्टेपनी मिल जाती है, ओरिजिनल इसका बॉक्स ऑप्शन मिल जाता है, और फ्रेम वाइज माशाल्लाह गाड़ी काफ़ी ज़बरदस्त है, आपको कहीं पर कोई रस्ट वगैरह नहीं मिलता, काफ़ी नीट एंड क्लीन आपको इसका ट्रंक मिल जाता है, और काफ़ी ज़बरदस्त गाड़ी है। अब बात कर लेते हैं जी इसके इंजन की, इंजन रूम की बात की जाए, इसके अंदर आपको ओरिजिनल इंजन जो आया करता था वही आपको मिल जाता है, 1300 cc इंजन, और 86 मॉडल के अंदर भी 1300 cc आया, लेकिन इंजन का काफ़ी डिफरेंट है। इसके अंदर आपको ये इस मॉडल का कुछ एफ और इस तरह का कुछ इंजन है, अभी मुझे इसका ठीक तरीके से नाम नहीं पता है, लेकिन इसका कुछ इंजन है ठीक है, और 1300 cc आपको इंजन मिल जाता है। इसका डिस्ट्रीब्यूटर आपको यहाँ मिल जाता है, और काफ़ी चेंजिंग वगैरह इसके अंदर आपको एसी हीटर आपको हर चीज़ आपको स्टॉल मिल जाती है। और ये आ गया इसका, यहाँ पर आपको इसका फ्रेम वगैरह देख लें, सीलें वगैरह हर चीज़ परफेक्ट है, अपनी ओरिजिनल फिटिंग के अंदर है, बैटरी फ्रेम वाइज गाड़ी बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, और अगर गाड़ी के अंदर से ज़रा सी और सफाई की जाए तो और गाड़ी लश पश हो जाएगी। तो ये था आज के रिव्यू ये था आज का रिव्यू। उम्मीद है कि आपको मेरा रिव्यू अच्छा लगा होगा, और अगर इसकी प्राइस की बात की जाए तो इसकी 9.5 लाख इसकी प्राइस बताई गई है। अगर आप में से कोई बंदा भी इंटरेस्टेड है मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको ओनर का नंबर वगैरह आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ। और मेरे प्यारे भाई हैं जिन्होंने मुझे जस्ट FB के ऊपर मेरे साथ रब्ता किया और मुझे गाड़ी की पिक्चर्स वगैरह भेजी, उसने कहा कि आप गाड़ी का रिव्यू करना चाहते हैं तो गाड़ी का रिव्यू आप कर सकते हैं, और डिमांड वगैरह भी उसने बता दी है। तो अगर आप में से कोई बंदा भी इंटरेस्टेड हो तो मुझे मेरे साथ रब्ता कर सकता है, इंशाल्लाह मैं आपको ओनर का नंबर वगैरह दे दूंगा, आप खुद उनसे डील वगैरह कर लें। जस्ट मेरा काम होता है गाड़ी का रिव्यू करना, और डीलिंग वगैरह जो भी है वो आप लोग ओनर से बात कर लेना, और जाके गाड़ी वगैरह आप रियल में देख लें, पेपर वाइज हर चीज़ देख लें, और उस लिहाज से आप उनसे इनके साथ डील वगैरह कर लें। तो उम्मीद है कि आपको मेरा रिव्यू अच्छे लगेगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतने, अपने बाय को दीजिए सलाम, टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय।